of Fitness is basically Vishal's baby, and पिछले 8 महीने से हम इस इंडस्ट्री में हैं. वी हैव ब्रांचेज इन उलवे, चेंबूर, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इज इन 8 महीने में 1000 से ज़्यादा मेम्बर हैं दोनों ब्रांचेज में. एंड वेरी सून वी आर लुकिंग टू कम इन टू द वेस्टर्न सबअर्ब, जिसको बोलते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री. तो काफ़ी जल्दी आप देखेंगे सारे स्टार्स भी इस कैंजो में आएंगे, एंड वी लुकिंग फॉर टू इट. या वाशी इज ओपनिंग एंड होपफुली ऑन माई बर्थडे 8 नवंबर, एंड trying to hit a big target on the opening itself, fingers are crossed. I guess there are challenges everywhere in all the industries, but what I see different in Kenzo is the people who are backing this gym, who are working with it, because jaise bolte ki bahut sare gym mein personal trainers hote hain, I see many people working for the money, but here people are really putting their inputs on the person itself to groom him, to grow him. So that's the best part, and that's the USP of Kenzo Gym. We see the major youth coming in, because the awareness is so much on social media. So the youth is attracted to this, and yeah, majorly the target audience is the youth. Road Safety World Series is coming up very soon, so just excited and waiting for that. Hopefully you'll see me soon. Basically marketing का तो वैसा कुछ सोचा नहीं है. Basically हमने अगर जिम शुरू किया था 8 महीने पहले उलवे एंड चेंबूर में, आज दोनों ब्रांचेस में 1000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ ही इतना अच्छा जा रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है. एंड मनीष हलवेकर जैसे सर एंड काफ़ी सारे लेजेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो अनकंडीशनली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ना कि कोई मोटिव से, ना कि कोई पैसे के मकसद से. सो डेफिनेटली ये जिम बहुत अच्छा करेगा और आगे बढ़ेगा जी. काफ़ी सारे जगह पर ओपनिंग का प्लान है. वाशी में भी आ रहा है नेक्स्ट जिम. वाशी होगा तो हमारा 3 जिम हो जाएंगे, एंड नेक्स्ट ईयर टारगेटिंग इन लोखंडवाला, इन कोरेगांव, इन बांद्रा. ऑलमोस्ट 30-35 ईयर्स से मैं फिटनेस में हूँ, और फिटनेस ने ही सब कुछ दिया है, और कपिल सर ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया है, तो ऑफकोर्स 100% सक्सेसफुल होना ही है. तो फिटनेस के लेसन यहाँ आके हम सभी को देंगे ही. फ्रेंड, यहाँ का वाइब्स ही कुछ अलग है. एक तो ये 5th लेवल पे है, यहाँ सब माउंटेन वगैरह दिखते हैं. तो पर्सनली मैं यहाँ ऑलमोस्ट लास्ट 6 मंथ से वर्कआउट करने के लिए आ रहा था, जब ये प्रोजेक्ट था भी नहीं अंदर, तभी से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ. तो ऑफकोर्स कुछ अंदर से होगा ये कनेक्शन, तो ये ज्वाइन हो गए हम लोग. बस कोविड के बाद सबको तो पता चला कि ज़िद्दी है तो ज़िंदा है, जो हम लोग का है डायलॉग. और भले जिम नहीं कर पाए, आप कुछ भी एक्टिविटी करिए घर पर, कार्डियो करिए, वॉकिंग करिए, साइकिलिंग करिए, और जिम तो है ही. अगर यहाँ के आसपास में तो मुझे लगता नहीं कि इतना अच्छा जिम कोई होगा. इतने सारे टिप्स तो मैं एक इसमें नहीं कह सकता. अगर अच्छे टिप्स चाहिए तो आप केंजो में आइए, चेंबूर केंजो में, और मुझे मिलिए. केंजो फिटनेस एक ऐसा जिम है जो हम लोग लोगों के हिसाब से बनाते हैं. हम लोग पहले मार्केट स्टडी करते हैं, वहाँ हम लोग जाते हैं, हमारी टीम जाती है. हम लोग 3 महीने पहले R&D करते हैं जगहों को लेकर. अगर हमें वो जगह समझ में आता है, फिर हम लोग प्लान करते हैं, और लोगों के हिसाब से हम लोगों के लिए जिम बनाते हैं. सारे इक्विपमेंट जो भी हमारे पास है, हम लोग सारा इक्विपमेंट यूरोप, चाइना से हम लोग इंपोर्ट करते हैं सारे मशीन्स को. और जो भी हमारे पास मशीन्स है वो बायोमैकेनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो लोगों को एक्चुअली में चाहिए, और वेराइटीज़ ऑफ इक्विपमेंट्स, वी बिलीव इन वेरिएशंस. तो बेसिकली हमारे पास हर एक मसल पार्ट के लिए हमारे पास मशीन्स काफ़ी है, और जितने भी जिम्स आसपास है उनसे हमारे पास इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स हमने लेवल अप किया हुआ है. चेंबूर में आसपास जितने भी लोग हैं उनको अगर केंजो नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, केंजो एक ऐसा जिम है जो आप लोगों के लिए ही बनाया हुआ है. मैं चाहता हूँ कि जितने भी फिटनेस फ्रीक हैं, जो आज तक वर्कआउट किया है या नहीं किया है, एक बार आप आइए, जिम विज़िट करिए. आप यहाँ पे फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं. एक बार ट्रायल लेने के बाद आप खुद डिसाइड करिए कि केंजो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं. मुझे कन्फर्म पता है कि आप अगर आप एक बार विज़िट करेंगे तो कन्फर्म आप केंजो को नहीं भूलेंगे कभी.